अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, कीमा कढ़ाई की रेसिपी। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बहुत सिंपल है, घर के इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ हुए हैं। इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको शो होती रहे। चलिए हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1 किलो कीमा है, 3 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, 6 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, लहसुन है, पिसा सूखा धनिया 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, अदरक, गरम मसाला 1/2 चम्मच और हरी मिर्चें और दही। टमाटर, लहसुन, अदरक, इनका हम पेस्ट बना लेंगे। ये जी पेस्ट बन रहा है। प्रेशर में मैंने कीमा डाल दिए, लाल मिर्च डाल दिए, नमक डाल दिए, हल्दी डाल दिए और ये हम पेस्ट डाल देंगे अदरक लहसुन टमाटर का और प्याज डाल देंगे। चलिए जी, और इसमें आप अपने हिसाब से पानी डाल दें। मैंने जो है कीमे से 2 इंच ऊपर पानी रखा है जस्ट, और 20 मिनट मैंने सीटी लगाई है। ये मैंने इसके बाद प्रेशर खोल ली है, सीटी बंद हो गई है। अभी इसके अंदर पानी है तो इसको अभी पानी को थोड़ा खुशक होने दें। ये हरी मिर्चें डाल दें और सूखा धनिया डाल दें पिसा हुआ, और अब इसको थोड़ा भुने। फ्रेंड्स मैं एक बात बताना भूल गई हूँ, दही भी ऐड कर दें साथ। आपने ना कि अगर कुर्बानी का कीमा ना, उसको एक दफ़ा बॉयल कर लें पहले। उससे ये होती है कि कीमे की जो भी शान अक्सर आती है वो ख़त्म हो जाती है। वैसे तो दही डालने से भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर ये है कि ज़रा उसका अच्छा हो जाता है, स्मेल नहीं आती। तो आप एक दफ़ा बॉयल कर लें। ये जी मैंने एंड पे अब ये ऑयल डाल दिया, अब इसको अच्छे से भूनें। ये जी इसको आप भूनते रहें, साथ साथ चम्मच चलाते रहें, जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट होगा। ये देखिए जी, ये अब इसके ऊपर ऑयल आ गया और एंड पे इसके ऊपर आपने गार्निश डाल देनी है। ये मैंने अदरक डाला है लंबा कटा हुआ और गरम मसाला डाल दें और ये धनिया डाल दें जी। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई करिए। कोई भी क्वेश्चन करना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको शो होती रही। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, टेक केयर। और रबी अव्वल का महीना सबको बहुत 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 मुबारक हो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।